नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। राजगढ़ जिले के खिलचीपुर नगर में लोकप्रिय सेवा संस्थान नई दिल्ली एवं नगर पंचायत द्वारा आम लोगों की सुविधाओं के लिए हजारों लाखों रुपए खर्च कर नगर में तीन जगहों पर सुलभ कॉम्प्लेक्स बनवाए गए हैं, जो उक्त नगर के तीनों सुलभ शौचालय थोड़े दिन तो खुले, लेकिन अब वर्तमान दिनों में तीनों शौचालय और स्नानागार नगर पंचायत एवं संस्था की उदासीनता के कारण अपनी बदहाली पर आंसू बहाते हुए ताले के हवाले बंद पड़े हैं, जिनके दरवाजों पर ताले लगे हैं। जबकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद स्वच्छ भारत के निर्माण को लेकर अभियानों के माध्यम से गंदगी मिटाने में लगे हुए हैं और स्वच्छता को लेकर योजनाओं के माध्यम से शासन द्वारा लाखों रुपए भी खर्च किए जाते हैं, लेकिन खिलचीपुर नगर के ये बंद शौचालय अपने हालातों से सरकारी योजनाओं की पोल खोल रहे हैं। जब इस संबंध में हमारे संवाददाता ने नगर परिषद के प्रभारी CMO उमेश शर्मा से बात की तो बताया कि मैंने अभी चार्ज लिया है। वहीं उक्त मामले में लोकप्रिय सेवा संस्थान नई दिल्ली की अनीता शर्मा द्वारा बताया गया कि पानी की व्यवस्था ना होने के कारण शौचालय बंद है। आज हम राजगढ़ जिले के खिलचीपुर तहसील में पहुंचे हैं, जहां पर शासन प्रशासन स्वच्छता को लेकर अनेक योजनाओं को लागू किए हुए हैं। इसी बीच खिलचीपुर में हमने देखा कि स्वच्छता को लेकर शौचालयों का निर्माण किया गया है, जहां पर हर आम आदमी की सुविधाओं को लेकर के इस मंशा से लाखों हजारों कहीं रुपए खर्च करके स्वच्छता का संदेश देने के लिए नगर में अनेक जगहों पर इन शौचालयों का निर्माण किया गया है, जिसको आप देख सकते हैं ये किस तरह से अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जहां लोगों को घर में शौचालयों के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, उन पैसों से वो घर पे ही उपयोग कर रहे हैं, वहीं आम नागरिकों को शहर में ये सुविधाएं शासन द्वारा मुहैया कराई गई है, लेकिन ये बंद पड़े हुए इन पे ताले डाल दिए गए हैं। जबकि यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है, इस बोर्ड पे लिखा है कि पुरुष एवं महिलाएं सुलभ शौचालय एवं स्नानघर नगर परिषद खिलचीपुर पर। ऐसा हमें देखने को मिल रहा है कि इस बोर्ड के अनुरूप अगर हम देखें तो यहाँ किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, बंद पड़ा हुआ है, गंदगी फैली हुई है। जहाँ स्वच्छता को लेकर ये दिया गया है, उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। सर, ये जो नगर में सुलभ शौचालय का निर्माण कराया गया है, ये बंद पड़े हुए हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी मैंने कल 18/5/2020 को चार्ज लिया है। मैं इसको दिखवाता हूँ कि कब से बंद है, किस कारण से बंद है, सारी जानकारी लेने के बाद अपन इसको शीघ्र अपन चालू करा। खबर समय जगत के लिए राजगढ़ से ब्यूरो चीफ मुकेश बैरागी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।